हाय स्टूडेंट्स, आपण को आम चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आम मैंने पूर्व दुईटी क्लास रे हरप्पा सभ्यता एवं वैदिक युग पर आम विशेष भाव आलोचना कर सारी। आज गोटे इतिहास बहुत बढ़िया एवं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक टे आलोचना करवा जहाँकि आपणकर भारतीय इतिहास उपादान जहाँकि आपणकर विषय रोचे कौन ना भारतीय इतिहासर उपादान। भारतीय इतिहासर उपादान आज आम पढ़ा। देख, इतिहास गोटे एमती विषय कई जने मनगढ़ा कहानी भाव लेखिपर जदि सफिसीयंट प्रमाण एवं तथ्य नहीं तबे इतिहास लेखि हेबने। आमर विषय कौन रोचना आज भारतीय इतिहासर उपादान, ये आप प्रथम अध्याय रही इतिहास बहरे जैकि आपणकर सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री आम आज पढ़ा। देखो, इतिहास आम जानवा पूर्व गोटे कथा मन रखा दरकार। इतिहास प्रथम केउटी रचना कराइला विशेषकर ग्रीस एवं ग्रीक जहाँ को भी आम कहती यू जगार प्रथम इतिहास रचना करा जाइतला एवं जी प्रथम इतिहास लिखी से होंगे आपणकर ना हेरोडोटस जी कि आपणकर प्रथम जी इतिहास लिखी से होंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस होंगे आपणकर इतिहास जनक जी कि फादर ऑफ हिस्ट्री जहाँ को आम कहीपर भारत इतिहास जेकोसी देश इतिहास जनक होकर हेरोडोटस। देख, प्रथम कथा आम जान लें सोर्सेस। आम सोर्सेस मान कौन ना उपादान। देख, आम गोटे इतिहास कहवा इतिहास को आम कौन विदाउट डॉक्यूमेंट्स रे लिखिपर नहीं आमको निश्चित भाव में डॉक्यूमेंट्स रा आवश्यकता रोचे। आम बिना कौन डॉक्यूमेंट्स रे इतिहास को लिखिपर ना। देख पिला मैंने आउ गोटे कथा मुझे कही रखुची, आपन तो जान लो इतिहास जनक किए हूँ ना आपणकर हेरोडोटस एवं यापर आपणकर अन्य जने रोचंती थुसीडाइडस जेकि आपणकर तथ्य भित्तिक इतिहास लिखी थे। प्रथम आपणकर आसला किए ना हेरोडोटस पर आप थुसीडाइडस जेकि आपणकर ऐतिहासिक तथ्य अनुसार प्रथम लिखापी आरंभ करते। देखु आम जिते बड़े इतिहास को उपादान कहते उपादान को विशेषकर तीनोटी विभाग में विभक्त करा जाए आपणकर उपादान को से तीनोटी विभाग कौन कौन। प्रथम आपणकर रोच कौन ना प्रत्नतात्विक जहाँकि आपन को कौन कहीपर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जहाँकि आपणकर प्रत्नतात्विक यापर आपणकर रोचे साहित्यिक उपादान जहाँ को कि आम कौन लिटेरारी सोर्सेस एवं यापर रोचे कौन ना आपणकर लिटेरारी सोर्सेस पर आपणकर रोचे कौन ना यापर आपणकर रोचे अभिलेखागारिय उपादान। यहीपर भाव में आपणकर तीनोटी उपादान रोचे जहाँ को कि आपणकर आर्कीभाल बोली क्या जाए आर्कीभाल सोर्सेस आपणकर आर्कियोलॉजिकल लिटेरारी एवं आर्कियोभाल तीनोटी उपादान रोचे। देखते जो आप साहित्यिक उपादान भितर आपणकर रही जाऊँ कौन ना वैदेशिक आपणकर साहित्यिक उपादान मध्य आपणकर रही जाऊँगी वैदेशिक विवरणी आपणकर साहित्यिक जहाँकि फॉरेन और लिटरेरी सोर्सेस आपणकर साहित्यिक। देखु प्रत्नतात्विक आम जान लें साहित्यिक जान लें अभिलेखा। देखो यही तीनोटी जिनस को आमको भल भाव आलोचना करने पड़े। देख पे मुझे कथा कही रखुच्छे मनकर मो ना त्रिलोचन एटा प्रमाण हम केमी मो ना त्रिलोचन जी निश्चित भाव मोर 10th सर्टिफिकेट देखू किंबा मोर आधार कार्ड देखु किंबा वोटर कार्ड देखु जितेबले से देखिबो जे एटा मोर ठीक अछि तबे से जानिबो जे मो ना त्रिलोचन बोले। ठीक से ही प्रत्नतात्विक एवं आमर साहित्यिक अभिलेखागारिय आम एथिरु आम जानिबा इतिहास संबंध में मनेकर मु गोटे कथा कहूँ आम जानूँ खंडगिरी
खंडगिरी किंबा उदयगिरी। खंडगिरी उदयगिरी आम जिते बड़े जाऊँगी आम से जिनस जो रही आपंकर जो कला स्थापत्य रोचे से गुड़ाक देखला पर आम जानूं हाँ ये बौद्ध धर्म कि जैन धर्म ये आम से तार जो मानने रही स्तंभ कला स्थापत्य लिपि रही भितर आम जानूँ हाँ ये जिनसा जान लापर आम जानूँ आमर यहाँ सत सेमती ठीक से इतिहास इतिहास रचना करने आपंकर प्रत्नतात्विक साहित्यिक एवं अभिलेखागारीय उपादान विशेष आवश्यकता रही है। जदि ये उपादान विषय आम जाणिना तेज आम इतिहास लिखिपर ना देख मुझे प्रथम कथा कही रखुचे आम जहाँ कौन प्रथम रही कहना प्रत्नतात्विक 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 उपादान कौन प्रत्नतात्विक उपादान कौन एवं एमें कौन जानवापी पाँचन देखो प्रत्नतात्विक उपादान विशेषकर कहना यहाँ हूँ आपणकर पूरा पुरातत्व अवशेष पुरातत्व अवशेषटा हूँ कौन आपणकर प्रत्नतात्विक उपादान माने आम जत भूमि खनन करुं भूमि तले किंबा भूमि ऊपर जिते बड़े आम भूमि खनन करुं से आम विभिन्न जिनस विषय जानवापी चाहूं जोटा कि आम कहते प्रत्नतात्विक जो आम भू खनन द्वारा विभिन्न तथ्य को जानूं से तथ्य को विश्लेषण कर ऐतिहासिक मान विभिन्न तथ्य ग्रहण करुंटा हूँ आपणकर प्रत्नतात्विक जिते बड़े आम भू खनन भू उपर जेकोसी तथ्य को आम जानूं एवं ताको विश्लेषण करी ऐतिहासिक मान तथ्य ग्रहण करुंटा को आम प्रत्नतात्विक बोली कहुए जहाँकि आपंकर आक्षरिक दौर पुरातत्व अवशेष जहाँकि आपंकर भूखनन जेकोसी आप अवशेष कीर्तिराज जहाँ भी देखुं से गुड़िक आपंकर प्रत्नतात्विक उपादान मध्य आसी जा देख प्रत्नतात्विक उपादान आम जाणी पूर्व आम केतेक जिनस अत्यंत भाव में जाणी ना गुरुत्वपूर्ण रोच देख य प्रत्नतात्विक उपादान को मध्य चारि भाग में विभक्त करा जाए देख ना ये प्रत्नतात्विक मान यू चारि भाग में विभक्त करा जाए से चारि भाग में कौन कौन रोचे से जिनस मुख्यतः जाणी आवश्यक प्रथम रोचे आपणकर अभिलेखा अभिलेखा आपणकर प्रथम रोसी मुद्रा रोसी एवं कला रोचे कला कला ओ स्थापत्य रोचे कला स्थापत्य रोचे आपणकर कौन रोचे ना कला स्थापत्य पर रोचे आपणकर प्रत्नतात्विक खनन प्रत्नतात्विक खनन प्रत्नतात्विक खनन रोचे देख पाने अभिलेखा मान कौन ना आपणकर अभिलेखा मान ये आपणकर कौन सी ताम्र हो कि लोह लुहा उपर हो किंबा मूर्तिका उपर हो लेखा जाऊँगी विभिन्न तथ्य आम जदि कह जदि आम देखा अशोकंर जो शिलालेख रही कौन ब्राह्मी लिपि लेखा जा ब्राह्मी लिपि लेखा जादी आम से लिपिटा को पढ़ा तेब आम अशोकंर विषय सफिसीयंट जिनस जापर जहाद्वारा कि अभिलेखा आपणकर इतिहास गोटे मुख्य उपादान कहीं अभिलेखा आम विभिन्न राजा वंश मनकर गोटे राजवंश विषय में गोटे पुस्तक पाइबा से आम से राजा कौन तक नाम वंश परिचय सामाजिक परिस्थिति धर्मियों व्यवस्था कौन थी आम समस्त जिनस अभिलेखार पाइबा कहीं जदि आमर डायरी मनकर आमर जन डायरी पाइज से आम विषय सब जिन जाणी नब ठीक से हीपर अभिलेखा मान मन मन रखी वन टाइप अफ डायरी कौन सी लिखित बा लिपि आकार आपको कौन कहना जो आपणकर मूर्तिका ताम्रफलक लुहा बा मूर्तिकार अभिलेखा को अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाए आपणकर एपिग्राफी कहा जाए आपणकर यार अध्ययन को अभिलेखार अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाए ये क्वेश्चन अधिकांश टाइम आपको प्लस टू एग्जामिनेशन देखापी मिल कहीं जो जिनस गुड़ाक आपको पढ़ाऊँ आपको नोट्स करनी आपणकर अभिलेखार अध्ययन को एपिग्राफी बोली कहा जाए आपको पूरा तत्व बोली कहा जाए पूरा लेख तत्व बोली आपणकर कहा जाए यटा को अभिलेखा को देखते आम जो अभिलेखा पढ़ुं ये समस्त जिनस देखुं देखूँ आपणकर द्वितीय शताब्दी जदि देखिए से संस्कृत संस्कृत आपणकर अभिलेखा लिखा जाता जहाद्वारा कि आम विभिन्न जिनस धारणा पाते विभिन्न विषय आम जानवापी पाते जहाँकि आपणकर द्वारा देखते यापर आसूँ मुद्रा देख आम वर्तमान भी जो एक टंकिया कॉइन देखुं एक टंकिया कॉइन जो रोचे आपण गोटे धान चित्र रोचे
ଆପଣଙ୍କର ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାନଟା ସେଇଟା ଆମର କୃଷି ବା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରାରୁ କେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରା ଦେଖିବା, ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରା ଆମେ କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ଜାଣିଲେ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ସେମାନେ କିପରି ଏହାକୁ ମାନେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବା ସର୍ବପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଛପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ଛପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆସେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ, ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଛପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚ ମାର୍କଡ଼ କଏନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଛପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରାକୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଗ୍ରୀକ୍, ବା ତାପରେ ରୋମିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମୁଦ୍ରା ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଭାରତ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ରୋମିଓ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ରୋମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର କାରବାର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ନା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଭାରତୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ମାନେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଯିଏକି ସେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସେ ମୁଦ୍ରାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନା ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜାରାଣୀରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ବି ହେଇଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରାଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ରାଣୀ କୁମାରଦେବୀଙ୍କର ମାନେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଦେଖା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ରାଜାରାଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ବି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ମୁଦ୍ରାରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆସୁଛି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରି ରହିଛି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ରହିଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣ କେବେ ବୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଆମେ ସେଠୁ ଯିବା ବେଳରେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା, ପାଖାପାଖି 24 ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଲିପି ଆକାରରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ଯଦି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କାରିଗର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟି ବନାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ସେ ବନେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ବନାଯାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମାଜର
जापारती कौन सामाजिक व्यवस्था थी लोक मैंने धर्म विश्वास करुले जदि मंदिरटा उच्चकोटीर हो भल भाव तैयारी आम से कला कौशल कारीगरी विषय जानूं जदि से बहुत सुंदर देखा आम जाना से समय अर्थनैतिक विकास एत मात्र अधिक था जो कि एत टा खर्च कर मंदिर मानते निर्माण कराला जहाद्वारा कि आम एत सब तथ्य आम जापारती जहाद्वारा कि यही सब जिनस द्वारा ठीक से हीपरी आम जदि दिल्ली कुतुब मीनार देखा आपणकर मीना बजार देखा एमती अनेक जिनस लाल किला देखा आम दिल्ली आग्रा आग्रा रे ताजमहल मंदिर देखा से आम कौन जाना से आम गोटे रजा विषय जानवा जो मंताजपति भलपाइवा था सा विषय जानवा राजवंश मोगल विषय जानवा जा कौन से गोटे आप कला स्थापत्य कला स्थापत्य आम एत जिनस जापर जहाँकि आपणकर जो कि कला स्थापत्य आपणकर इतिहास रचन मुख्यतः साय कैपर भारतीय इतिहास गोटे मुख्य अंश बा इतिहास लिखापी कला स्थापत्य हो विशेष भाव लाभदायक देखु यापर मुझे भू खनन आपणकर प्रत्नतात्विक खनन जो रही प्रत्नतात्विक खनन द्वारा आम कौन जानूँ जिते बे हरप्पा हरप्पा एवं हरप्पा एवं आम जो मोहेंजोदार कहते ये जो आप खनन भू खनन करागला मोहेंजोदार हरप्पा आम से कौन जानले ये आम जानले से मानकर नगर नगर निर्माण शैली आम जानले एवं यह सहित मोहेंजोदार आम कौन जानले ना बृहत स्ना मान बृहत बृहत स्नानागार स्नानागार आम ता विषय जानले देख पाने जिनसटा को मन रख बृहत स्नानागार एवं बृहत आप नगर निर्माण जहाद्वारा आम भू खनन करने द्वारा गोटे बृहत सभ्यता सिंधु नदी सभ्यता ता विषय जानले जदि आम भू खनन नक तेब आम यही विषय जापारी था कि देख बृहत स्नानागार आम जो जानले लोक मैंने स्नान करुले आम जानले लोक मैंने शैली से प्रत्येक दिन गाधुआ कार्य करुले ड्रेस पिंधुले नगर निर्माण जो देखते से मानने आर्किटेक्ट जिनस बहुत थी से जिनसटा को आम जाना पाइले कहीं देख इतिहास सबूत तथ्य उपरे विशेषित आम विदाउट तथ्य कौन से जिनस को मनगढ़ा कहानी की आम इतिहास कही पार्बानी इतिहास आमर सफिसीयंट प्रमाण दरकार तार उपादान आवश्यक रही बिना उपादान आपणकर हो पारे यह सहित ओडिशा रे आपणकर गोटे जगार भू खनन कराला भुवनेश्वर आपणकर शिशुपाल गड़े आमर खनन कराद्वारा कि ओडिशार विभिन्न राजा जमी आप खारबेल कहतु ओडिशार विभिन्न भूमि पात्र एवं विभिन्न कला स्थापत्यर अंश विशेष देखापी मिलता जहाद्वारा कि आम से आपंकर विभिन्न राजा एवं मनीष मानकर जमी शैली था से जिनस जानापी पाती से आपंकर विदाउट मानने बिना कौन सी सोर्सेस इतिहास रचना करा जाए पारिबनी बा इतिहास को आमे मनगढ़ा कहानी बोली कही पारिबनी देख पिला माने निश्चिंत क्लास को गोटे लाइक करिबो एवं आमर पेड बेस नबा पाई 9692932256 एई नंबर रे कांटेक्ट करि पारिबो आमर पेड बेस नबा पाई आमे पेड बेस रे प्रोवाइड करूचो हिस्टोरी पोल साइंस लॉजिक एजुकेशन एई चारोटी कोर्स आमे प्रोवाइड करूचो वर्तमान समय आप 9692932256 नंबर में कांटेक्ट करें आम पेड बेच पर आपको बहुत सुलभ मूल्य वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड करा जिबो नोट्स आपको डकई दिया जिबो डाउट क्लियरिंग आपंकर करा जिबो एहा सहित आपंकर नोट्स रो पीडीएफ मध्ये आपनको प्रोवाइड करा जिबो आठारो आउ कोन सुविधा दरकार पूरा घरे बसी ऑनलाइन कोचिंग नंतु हमर पेड कोर्स पई एबे ही जोगाजोग करंतु 9692932256 नंबर रे आपनको संपूर्ण तथ्य मिल जिबो निश्चित भाबे पिला माने क्लास को लाइक करो निजरो युक्त दुई जो आपनकर प्लस 2 रो फ्रेंड्स रहिछन सेमानक सहित शेयर करो फुनी देखाबो आउट ए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास रे से पर्यंत विदाय नबा जय जगन्नाथ जय ओडिसा।